नमस्कार चीफ जस्टिस श्री एन बी रमन्ना जी जस्टिस यू यू ललित जी कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी अटॉर्नी जनरल श्री के के वेणुगोपाल जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान विकास सिंह जी और देश के न्याय व्यवस्था से जुड़े देवियों और सज्जनों आज सुबह मैं विधायिका और कार्यपालिका के साथियों के साथ था और अब न्यायपालिका से जुड़े आप सभी विद्वानों के बीच में हम सभी की अलग अलग भूमिकाएं अलग अलग जिम्मेदारियां और काम करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी आस्था हमारी प्रेरणा हमारी ऊर्जा का स्रोत एक ही है हमारा संविधान मुझे खुशी है कि आज हमारी ये सामूहिक भावना संविधान दिवस पर इस आयोजन के रूप में व्यक्त हो रही है हमारे संवैधानिक संकल्पों को मजबूत कर रही है इस कार्य से जुड़े सभी लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं माननीय आजादी के लिए जीने मरने वाले लोगों ने जो सपने देखे थे उन सपनों के प्रकाश में और हजारों साल की भारत की महान परंपरा को संजोए हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें संविधान दिया सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने भारत को अनेक मुसीबतों में जोंक दिया था किसी युग में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत गरीबी भूखमरी बीमारी से जूझ रहा था इस पृष्ठभूमि में देश को आगे बढ़ाने में संविधान हमेशा हमारी मदद करता रहा है लेकिन आज दुनिया के अन्य देशों की तुलना में देखें तो जो देश भारत के करीब करीब साथ ही आजाद हुए वो आज हमसे काफी आगे है यानी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है हमें मिलकर लक्ष्य तक पहुंचना है हम सभी जानते हैं हमारे संविधान में इंक्लूजन पर कितना जोर दिया गया है लेकिन यह भी सच्चाई रही है कि आजादी के इतने दशकों बाद भी बड़ी संख्या में देश के लोग एक्सक्लूजन को भोगने के लिए मजबूर रहे हैं वो करोड़ों लोग जिनके घरों में शौचालय तक नहीं था वो करोड़ों लोग जो बिजली के अभाव में अंधेरे में अपनी जिंदगी बिता रहे थे वो करोड़ों लोग जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष घर के लिए थोड़ा सा पानी जुटाना था उनकी तकलीफ उनका दर्द समझकर, उनका जीवन आसान बनाने के लिए खुद को खपा देना मैं संविधान का असली सम्मान मानता हूं और इसलिए आज मुझे संतोष है कि देश में संविधान की इस मूल भावना के अनुरूप एक्सक्लूजन को इंक्लूजन में बदलने का भगीरथ अभियान तेजी से चल रहा है और इसका जो सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ है ये भी हमें समझना होगा जिन दो करोड़ से अधिक गरीबों को आज अपना पक्का घर मिला है जिन आठ करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है जिन पचास करोड़ से अधिक गरीबों को बड़े से बड़े अस्पताल में पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है जिन करोड़ों गरीबों की पहली बार बीमा और पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली है उन गरीबों के जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम हुई है ये योजनाएं उनके लिए बड़ा संबल बनी है इसी कोरोना काल में पिछले कई महीनों से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित किया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर सरकार दो लाख साठ हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है अभी कल ही हमने इस योजना को अगले मार्च वर्ष मार्च महीने तक के लिए बढ़ा दिया है हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो कहते हैं सिटीजन्स मैन एंड वीमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वो इसी भावना का ही तो प्रतिबिंब है आप सभी ये मानेंगे कि जब देश का सामान्य मानवी देश का गरीब विकास की मुख्य धारा से जुड़ता है जब उसे इक्वेलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है जब रेहड़ी ठेले पटरी वाले भी बैंक क्रेडिट की व्यवस्था से जुड़ता है तो उसको राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का एहसास होता है जब दिव्यांगों को उनको ध्यान में रखते हुए पब्लिक प्लेसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाओं का निर्माण होता है जब उन्हें आजादी के सत्तर साल बाद पहली बार कॉमन साइन लैंग्वेज मिलती है तो उनमें आत्मविश्वास जगता है जब ट्रांसजेंडर को कानूनी संरक्षण मिलता है ट्रांसजेंडर को पद्म पुरस्कार मिलते हैं तो उनकी भी समाज पर संविधान पर आस्था और मजबूत होती है जब तीन तलाक जैसी कुरीति के विरुद्ध कड़ा कानून बनता है तो उन बहन बेटियों का संविधान पर भरोसा और सशक्त होता है जो हर तरह से ना उम्मीद हो चुकी थी महानुभाव सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है संविधान के लिए समर्पित सरकार विकास में भेद नहीं करती और ये हमने करके दिखाया है आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेस मिल रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों तक सीमित था आज लद्दाख अंडमान और निकोबार नॉर्थ ईस्ट के विकास इन सभी क्षेत्रों का देश का उतना ही फोकस है जितना दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों पर है लेकिन इन सब के बीच मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा आपने भी जरूर अनुभव किया होगा कि जिस जब सरकार किसी एक वर्ग के लिए किसी एक छोटे से टुकड़े के लिए कुछ करती है तो बड़ी उदारवादी कहलाती है उसकी बड़ी प्रशंसा होती उनके लिए कुछ किया लेकिन मैं हैरान हूं कभी कभी हम देखते हैं कोई सरकार एकाध राज्य के लिए कुछ कर ले कुछ राज्य की भलाई का कोई काम करते हैं, तो भी वाहवाही हो जाती है लेकिन जब सरकार सबके लिए करती है हर नागरिक के लिए करती है हर, हर राज्य के लिए करती है तो उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता जिसका कभी कभी उसका जिक्र तक नहीं होता है सरकार की योजनाओं से कैसे हर वर्ग का हर राज्य का समान रूप से भला हो रहा है इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है पिछले सात वर्षों में हमने बिना भेदभाव के बिना पक्षपात के विकास के हैं हर व्यक्ति हर वर्ग और देश के हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया है इस साल 15 अगस्त को मैंने गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं के सेचुरेशन की बात कही और इसके लिए हम मिशन मोड पर जुटे भी हैं सर्वजन हिताय है, सर्वजन सुखाए इस मंत्र को लेकर के कार्य करने का हमारा प्रयास है आज इससे देश की तस्वीर कैसे बदली है ये हमें हाल के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में भी दिखाई देता है इस रिपोर्ट के बहुत से तथ्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि जब नेक नियत के साथ काम किया जाए सही दिशा में आगे बढ़ा जाए और सारी शक्ति जुटाकर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो सुखद परिणाम अवश्य आते हैं जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो पुरुषों की तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलीवरी की ज्यादा अवसर उपलब्ध हो रहे हैं इस वजह से माता मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर पर कम हो रही है और भी बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे हैं जिस पर हम एक देश के रूप में बहुत अच्छा कर रहे हैं इन सभी इंडिकेटर्स में हर परसेंटेज पॉइंट की बढ़ोतरी सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है ये करोड़ों भारतीयों को मिल रहे उनके हक का प्रमाण है ये बहुत आवश्यक है कि जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं का पूरा लाभ लोगों को मिले इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं समय पर पूरी हो किसी भी कारण से हुई अनावश्यक देरी नागरिक को उससे उसके हक से वंचित रखती है मैं गुजरात का रहने वाला हूं तो मैं सरदार सरोवर डैम का उदाहरण देना चाहता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मां नर्मदा पर इस तरह के डैम का सपना देखा था पंडित नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था लेकिन ये परियोजना दशकों तक अप्रचार अप में फंसी रही पर्यावरण के नाम पर चले आंदोलन में फंसी रही न्यायालय तक इसमें निर्णय लेने में हिचकिचाते रहे वर्ल्ड बैंक ने भी इसके लिए पैसे देने से मना कर दिया था लेकिन उसी नर्मदा के पानी से कच्छ में जो विकास हुआ विकास का कार्य हुआ आज हिंदुस्तान के तेज गति से आगे बढ़ रहे डिस्ट्रिक्ट में कच्छ जिला है कच्छ को इस एक प्रकार के रेगिस्तान जैसा इलाका तेज गति से विकसित होने वाले क्षेत्रों में उसकी जगह बन गई कभी रेगिस्तान के रूप में जाने जाने वाला कच्छ पलायन के लिए पहचान जाने वाला कच्छ आज एग्रो एक्सपोर्ट की वजह से अपनी पहचान बना रहा है इससे बड़ा ग्रीन अवार्ड और क्या हो सकता है माननीय भारत के लिए और विश्व के अनेक देशों के लिए हमारी अनेक पीढ़ियों के लिए उपनिवेशवाद कॉलोनियलिज्म उपनिवेश उपनिषद उपनिवेशवाद की बेड़ियों में जकड़े हुए जीना एक मजबूरी थी भारत की आजादी के समय से पूरे विश्व में एक पोस्ट कॉलोनियल कालखंड की शुरुआत हुई अनेकों देश आजाद हुए आज पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो प्रकट रूप से किसी अन्य देश के उपनिवेश के रूप में एग्जिस्ट करता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उपनिवेश उपनिवेशवादी मानसिकता कॉलोनियल माइंडसेट समाप्त हो गया है हम देख रहे हैं कि हम मानसिकता अनेक विकृतियों को जन्म दे रही इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमें विकासशील देशों की विकास यात्राओं में आ रही बाधाओं में दिखाई देता है जिन साधनों से जिन मार्गों पर चलते हुए विकसित विश्व आज के मुकाम पर पहुंचा है आज वही साधन वही मार्ग विकासशील देशों के लिए बंद करने के लिए प्रयास किए जाते हैं पिछले दशकों में इसके लिए अलग अलग प्रकार की शब्दावली का जाल रचाया जाता है लेकिन उद्देश्य एक ही रहा है विकासशील देशों की प्रगति को रोकना आजकल हम देखते हैं कि पर्यावरण के विषय को भी इसी काम के लिए हाइजेक करने का प्रयास हो रहा है कुछ सप्ताह पहले हमने कोप ट्वेंटी सिक्स में इसका जीवंत उदाहरण देखा है अगर एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट क्यूमुलेटिव एमिशंस की बात करें तो विकसित देशों ने मिलकर 1850 से अब तक 1815 से अब तक भारत से 15 गुना अधिक उत्सर्जन किया है अगर हम पर कैपिटल बेसिस की बात करें तो भी विकसित देशों ने भारत के मुकाबले पंद्रह गुना अधिक उत्सर्जन किया है अमेरिका और यूरोपीय संघ ने मिलकर भारत की तुलना में ग्यारह गुना अधिक एब्सोल्यूट क्यूमुलेटिव एमिशन किया है इसमें भी पर कैपिटल बेसिस को आधार बनाए तो अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भारत की तुलना में 20 गुना अधिक उत्सर्जन किया है फिर भी आज और हमें गर्व है भारत जिसकी सभ्यता और संस्कृति में ही प्रकृति के साथ जीने की प्रवृत्ति है जहां पत्थरों में पेड़ों में प्रकृति के कण कण में जहां पौधे में भी परमात्मा देखा जाता है उसका स्वरूप देखा जाता है जहां धरती को मां के रूप में पूजा जाता है उस भारत को पर्यावरण संरक्षण के उपदेश सुनाए जाते हैं और हमारे लिए ये मूल्य सिर्फ किताबी नहीं है किताबी बातें नहीं है आज भारत में लायन टाइगर डॉल्फिन आदि की संख्या और अनेक प्रकार की बायोडाइवर्सिटी के मानकों में लगातार सुधार हो रहा है भारत में वन क्षेत्र बढ़ रहा है भारत में डिग्रेडेड लैंड का सुधार हो रहा है गाड़ियों के ईंधन के मानकों को हमने स्वेच्छा से बढ़ाया है हर प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी उस क्षेत्र में हम विश्व के अग्रणी देशों में हैं और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त करने की ओर अग्रसर अगर कोई है तो एकमात्र हिंदुस्तान है जी ट्वेंटी देशों के समूहों में अच्छे से अच्छा काम करने वाला कोई देश है दुनिया ने माना है वो हिंदुस्तान है और फिर भी ऐसे भारत पर पर्यावरण के नाम पर भांति भांति के दबाव बनाए जाते हैं यह सब उपनिवेशवाद मानसिकता का ही परिणाम है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में भी ऐसी ही मानसिकता के चलते अपने ही देश के विकास में रोडे अटकाए जाते हैं कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर तो कभी किसी और चीज का सहारा लेकर हमारे देश की परिस्थितियां हमारे युवाओं की आकांक्षाएं सपनों को बिना जाने समझे बहुत सी बात दूसरे देशों के बेंचमार्क पर भारत को तोड़ने का प्रयास होता है और इसकी आड़ में विकास के रास्ते बंद करने की कोशिश होती है इसका नुकसान ये जो करते हैं ऐसे लोगों को भुगतना नहीं पड़ता है इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस मां को जिसका बच्चा बिजली प्लांट स्थापित न होने के कारण पढ़ नहीं पाता इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस पिता को जो रुके हुए सड़क प्रोजेक्ट के कारण अपने संतान को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाता इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस मध्यम वर्गीय परिवार को जिसके लिए आधुनिक जीवन की सुविधाएं पर्यावरण के नाम पर उसकी आमदनी से बाहर पहुंचा दी गई इस कॉनोरियन माइंडसेट की वजह से भारत जैसे देश में विकास के लिए प्रयास कर रहे देश में करोड़ों आशाएं टूटती है आकांक्षाएं दम तोड़ती है आजादी के आंदोलन में जो संकल्प शक्ति पैदा हुई उसे और अधिक मजबूत करने में ये कॉलोनियल माइंडसेट बहुत बड़ी बाधा है हमें इसे दूर करना ही होगा और इसके लिए हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारा संविधान ही है माननीय सरकार और न्यायपालिका दोनों का ही जन्म संविधान की कोख से हुआ है इसलिए दोनों ही जुड़वा संताने हैं संविधान की वजह से ही ये दोनों अस्तित्व में आए हैं इसलिए व्यापक दृष्टिकोण से देखे तो अलग अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के पूरक है हमारे यहां शास्त्रों में भी कहा गया है एक्यम बलम सामंजस्य, एक्यम बलम समाजस्य, एक्यम बलम समाजस्य तत् अभाव से दुर्बल प्रथम संति दृढ़ राष्ट्र हितैषणी अर्थात किसी समाज की देश की ताकत उसकी एकता और एकजुट प्रयासों में होती है इसलिए जो मजबूत राष्ट्र के हिते से होते हैं वो एकता की प्रशंसा करते हैं उस पर जोर देते हैं राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही यही एकता देश की हर संस्था के प्रयासों में होनी चाहिए आज जब देश अमृतकाल में अपने लिए असाधारण लक्ष्य तय कर रहा है दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान तलाश कर नए भविष्य के लिए संकल्प ले रहा है तो ये सिद्धि सबके साथ से ही पूरी होगी इसलिए देश ने आने वाले 25 सालों के लिए जब देश आजादी की शताब्दी मनाता होगा और इसलिए सबका प्रयास इसका देश ने आवाहन किया है निश्चित तौर पर इस आवाहन में एक बड़ी भूमिका जुडिशरी की भी है महोदय हमारी चर्चा में बिना भूले हुए एक बात लगातार सुनने को आती है बार बार उसे दोहराया जाता है सेपरेशन ऑफ पावर सेपरेशन ऑफ पावर की बात न्यायपालिका हो कार्यपालिका हो या फिर विधायिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रही है इसके साथ ही आजादी के इस अमृत काल में भारत की आजादी के सौ वर्ष पूरे होने तक ये जो अमृत काल है ये अमृत कालखंड में संविधान की भावना के अनुरूप कलेक्टिव रिजॉल्व दिखाने की आवश्यकता है देश के सामान्य मानवी के पास जो कुछ है वो उससे ज्यादा का हकदार है जब हम देश की आजादी की शताब्दी मनाएंगे उस समय का भारत कैसा होगा इसके लिए हमें आज ही काम करना है इसलिए देश की उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना बहुत जरूरी है सेपरेशन ऑफ पावर के मजबूत अधिष्ठान पर हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मार्ग निर्धारित करना है रोडमैप बनाना है लक्ष्य तय करने हैं और मंजिल तक देश को पहुंचाना है मान कोरोना काल ने जस्टिस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर नया भरोसा पैदा किया है डिजिटल इंडिया के मेगा मिशन में न्यायपालिका की सहभागिता है 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स का कंप्यूटराइज होना 98% परसेंट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ जाना रियल टाइम में जुडिशियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रीड का फंक्शनल होना ई कॉट प्लेटफॉर्म का लाखों लोगों तक पहुंचना यह बताता है कि आज टेक्नोलॉजी हमारे जस्टिस सिस्टम की कितनी बड़ी ताकत बन चुकी है और आने वाले समय में हम एक एडवांस जुडिशरी को काम करते हुए देखेंगे समय परिवर्तनीय है दुनिया बदलती रहती है लेकिन यह बदलाव मानवता के लिए इवोल्यूशन का जरिया बने हैं ऐसा इसलिए क्योंकि मानवता ने इन बदलावों को स्वीकार किया और साथ ही मानवीय मूल्यों को शाश्वत बनाए रखा न्याय की अवधारणा इन मानवीय मूल्यों का सबसे परिष्कृत विचार है और संविधान न्याय की इस अवधारणा की सबसे परिष्कृत व्यवस्था इस व्यवस्था को गतिशील और प्रगतिशील बनाए रखने का दायित्व हम सभी पर है अपनी इन भूमिकाओं का निर्वाह हम सब पूरी निष्ठा से करेंगे और आजादी के सौ साल से पहले एक नए भारत का सपना पूरा होगा हम लगातार उन बातों से प्रेरित हैं जिस बात के लिए हम गर्व करते हैं और वो मंत्र हमारे लिए है संगक्षव संवदम संवो मनासानी जानता हमारे लक्ष्य समान हो हमारे मन समान हो और हम साथ मिलकर उन लक्ष्यों को प्राप्त करें इसी भावना के साथ मैं आज संविधान दिवस के इस पवित्र माहौल में आप सबको देशवासियों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद